जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ। कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ नल्ली का मैसिकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस के एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजेंस दे रही है। कोकराझार की बात करते हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबरी में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता। आज महोदय जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार इस सदन में बार बार इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं। इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद की गई उसको, इस पर विस्तृत चर्चा होती है, लेकिन इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है, बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपा ही नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिकली अवेलेबल है, एज अ वुमन कम्स इन शी इज स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज सेंटेंस्ड इज द पनिशमेंट नॉट इनफ, मस्ट द ह्यूमन बॉडी बी डिग्रेडेड एंड ह्यूमिलिएटेड। ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। June 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है दैट एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग हियर, आई हैव स्टॉप्ड द हॉरिबल बीटिंग्स द विमेन प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट। ये कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला, जेपीजी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी, वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पेरोल पर उनको 15 जनवरी 1977 में छोड़ा, चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं, उनके बारे में बोल रही हूं। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, महिलाओं मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा, राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भागे ये
हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पर्ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में केपीएमजी की एक रिपोर्ट है जो इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से यूपीए की कार्यकाल में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को 9% का नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं। जो लोग जीरो लॉस थियरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है। लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय। 2005-06 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-06 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इंपैक्ट है। ये चुप रहे। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहां पर कह रही हूं कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस मित अलायंस के, कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत मां की हत्या की बात हो तो ये यहां पर तालियां पीटे। ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है, तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया,
और अब लगभग 19 करोड़ 40 लाख और 12 करोड़ 40 लाख तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है। लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं, स्पष्ट है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं, ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूँ। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूँ जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला, ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 1,80,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का पैसा दिया गया, 80% महिलाएं। प्लीज, क्या तरीका है? वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना, गलत बात ये। नो गलत। माननीय मंत्री जी, आपकी अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं, जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 80,000 करोड़ का लोन दिया। हमने 9 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ की आर्थिक व्यवस्था करके दी देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप में। यह हमारा अभिमान है। जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बंद करो सर। जब इन्होंने महिला संबंधित बजट की व्यवस्था की तब इनके कार्यकाल से 130% ज्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया, ये हमारा अभिमान है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। आज तक 2,60,00,000 महिलाओं ने हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधाएं ली। ब्रेस्ट कैंसर में 12 करोड़, सर्विकल कैंसर में 8 करोड़ महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई। इनका उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की, इनका उनसे सरोकार है। देश में मोदी सरकार में 3,84,00,000 घर बने, जिनमें से 2,86,00,000 महिलाओं को मिले। इनका उनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि गरीब महिला लखपति दीदी बन गई, वो हमारा अभिमान है, इनका नहीं। हमारे देश में 8,50,00,000 बेटियों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली, मुफ्त टेक्स्ट बुक की सेवा ली। बेटियां का ये उपलब्धि हमारा अभिमान है, इनका नहीं।
5 लाख से ज्यादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हुई, ये इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है, हमें अपनी बेटियों पे गर्व है। 5 लाख दिव्यांग बेटियों को मंथली स्टाइपेंड मिलता है, ये सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभु का उपकार है। 1,28,000 बेटियों को मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दी जाती है 12,000 रुपए की हर साल, ये सेवा का मौका परिवारों ने हमको दिया। 2 लाख से ज्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज एलिमेंट्री एजुकेशन में बेटियों की एनरोलमेंट 100% है इस देश में, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज पहली बार फीमेल एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में महोदय 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है महिलाओं का, ये देश के लिए गौरव की बात है। आज दलित बेटियों का एनरोलमेंट बढ़ा है 38%। दलित बेटियों का उल्लेख करती हूँ, ये चिल्लाते हैं इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं हमको है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी बच्चे लड़कियां 63% उनका एनरोलमेंट बढ़ा महोदय, आदिवासी बच्चों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं, आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधानमंत्री को सेवा का मौका दिया, ये हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो महिला ने नॉर्थ ईस्ट में 34% की इंक्रीज हुई है एनरोलमेंट में। नॉर्थ ईस्ट के मेरे सभी साथियों को, चाहे वो सदन में कहीं भी बैठे हों, महिलाओं की दृष्टि से मैं अभिनंदन देती हूँ। आज हमारे देश में महिला जो पीएचडी करती है 99.2% की वृद्धि हुई है एनरोलमेंट में पीएचडी करने वाली महिलाओं में, ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है। आज जो महिला शैक्षिक संस्थानों में सेवा दे रही, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में 66% उनकी वृद्धि हुई है, आप हो करते जाएं, हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईपीएफ में 28,70,000 महिलाओं ने अब अपने आप को सब्सक्राइबर बनाया है। आज 2017 से लेकर 22 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्ट को भारत सरकार की विविध स्कीम्स के अंतर्गत सहयोग मिला है। आज महिलाओं को मैटरनिटी लीव में 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है। आज महिलाओं ने 3 करोड़ बेटियों ने, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपया अपने बैंक के खाते में पाया है। इस सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और बेटियों का अभिनंदन। आज हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़ सकती है, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को आभार। आज हमारी देश की बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन पा चुकी है, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार। आज जो महिला और महिला हक के लिए यहां बोल रहे आप विषय पे बोल रही हैं और अविश्वास प्रस्ताव पे सब विषय पे बोल सकते हैं, ये तरीका अच्छा है क्या? बोलिए मानी, वो भी शायद मजबूर हैं, उनको भी रिमोट से डायरेक्शन आया है। इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज एक तरफ हमारी बेटियों ने सैनिक स्कूल में, आर्म्ड फोर्सेस में अपने प्रतिभा के आधार पर देश का गौरव बढ़ाया है, दूसरी ओर बिना किसी पुरुष सहयोगी के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,300
13 मुस्लिम बहनें अकेली हज के लिए गईं और सुरक्षित हिंदुस्तान लौटी। जो महिला हक की बात करते हैं महोदय, उनसे कहना चाहती हूं, महिला हक को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार ट्रिपल तलाक के कलंक को मिटाना चाहती थी, तब महिला के हक में नहीं बल्कि वोट बैंक के लालच में इन्होंने सदन की कार्रवाई को त्याग दिया था। आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महोदय, तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। आज हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ की लगभग लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं। जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए वो आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत देश के 983 रेलवे स्टेशन पर महिला पैसेंजर्स के लिए 2400 घंटे सुरक्षा का प्रावधान किया गया। आज कोंकण में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की विशेष व्यवस्था महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा के लिए की गई। आज चूंकि रेल मंत्री बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, ये सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या सदन में देश को पता चले, लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं? अध्यक्ष महोदय, गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है, 13 से 20 महीने का गर्भाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। लेकिन इन्हें सरोकार इनके नेता को किससे है? चीन से है। तो चूंकि सब चीन में इतनी रुचि लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले, इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया।